हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको एक नर्सरी लेकर चलती हूँ। तो ये है ग्रीन हाउस नर्सरी, जो गटकेसर के बाईपास रोड पर है। ये नर्सरी बहुत बड़ा है। मैं पहली बार इस तरह के नर्सरी में गई हूँ। इससे पहले मैं बहुत ही छोटे छोटे नर्सरी में गई थी, तो सब नॉर्मल थे, लेकिन ये वाला बहुत बड़ा है। मतलब देखने में बहुत अच्छा है और इतने फ्लावर्स हैं यहाँ पर, सब तरह के प्लांट्स जो हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन स्पेशली यहाँ पर फ्लावर के प्लांट्स जो है बहुत बहुत डिफरेंट है और बहुत ही अच्छे हैं। और थोड़े फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स तो ऐसे हैं कि मेरे हाथ से भी बड़े हैं। ऐसे नर्सरी में मैं पहली बार आई हूँ और ये विंटर का सीज़न है, तो फ्लावर्स पूरे फुल ब्लूम में हैं। यहाँ पर सब तरह के प्लांट जो है मिल जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स, सब तरह के यहाँ इनके पास हैं। बहुत सारे प्लांट्स के तो नाम मुझे मालूम ही नहीं है। जब ये प्लांट्स मैं देख रही थी तो मुझे इतना एक्साइटमेंट आ रहा था कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतना हैप्पीनेस मुझे लग रहा था कि बहुत बहुत मुझे अच्छा भी लगा यहाँ पर आके। यहाँ पर इतने रंग बिरंगे फ्लावर्स हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं फ्लावर्स, ये बहुत बड़े हैं, तो मैं पहली बार इन्हें देख रही हूँ, इतने बड़े फ्लावर्स। और इनके जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल है यहाँ पर। यहाँ पर हम बार्गेन भी कर सकते हैं। तो ये जो येलो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये हमने 60 में लिया है, विथ पॉट है ये। तो येलो कलर फ्लावर्स मैंने लिया है इसलिए क्योंकि मुझे अपने टेरेस के लिए चाहिए था, यानी कि पॉलिनेशन के लिए, तो इसलिए मैंने येलो फ्लावर्स लिए हुए हैं। ये फ्लावर्स देखिए, ये मेरे हाथ से भी बड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं ये। मतलब मैं इन्हें लेने के लिए सोच रही थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो माली रहते हैं उन्होंने बताया कि ये सिर्फ विंटर्स में ही खिलते हैं। तो मुझे लगा कि एक सीज़न के लिए मुझे लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। ये जो आपको सामने प्लांट्स दिख रहे हैं, ये हैं एप्पल के प्लांट्स।
जो बहुत ही हेल्दी है और अच्छे दिख रहे हैं। तो हमने एक प्लांट ख़रीद लिया है, तो ये प्लांट उन्होंने 250 का कह रहे थे वो, लेकिन हमने बार्गेन करके 200 में ले लिया था। अब हम आए हैं फ्रूट प्लांट्स की ओर, तो यहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट प्लांट्स हैं, तो अब देखिए बहुत सारे हैं। तो इसके रेंज जो रेट्स जो होते हैं, इसका प्राइस रेंज भी बहुत डिफरेंट है, छोटे से लेकर बड़े तक। मतलब इसके जो प्राइस है वो डिपेंड करता है इसकी साइज़ पर, मतलब प्लांट कितना बड़ा है, और इसकी फ्रूटिंग और जो फ्लावरिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड होके इसका प्राइस होता है। तो यहाँ पर 120 से स्टार्टिंग रेंज है। तो मेरी माँ ने भी यहाँ पर कुछ फ्रूट प्लांट्स ख़रीद लिए हैं, मैंगो और पोमीग्रेनेट दोनों माँ ने ख़रीदे हैं। तो जब हम टेरेस पर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम फ्रूट प्लांट्स ले रहे हैं वो कंपलसरी ग्राफ्टेड ही होना चाहिए। ग्राफ्टेड होने से क्या होगा, हम टेरेस पर इनको बहुत ही ईजिली हम इसमें फ्रूटिंग मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है ला सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होगा कि ये बड़ा बड़ा तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि टेरेस पर हम बहुत ही कम मिट्टी में करते हैं, तो इसलिए कंपलसरी हमें फ्रूटिंग जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उसमें ग्राफ्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के जो पौधे हैं उसमें फ्लावरिंग हो ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ही हेल्दी भी थे, तो इसलिए मैंने ये दो पौधे जो है ख़रीद लिए हैं। यहाँ पर इतने सारे मैंगो प्लांट्स थे कि हमें कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन सा वाला ले, सभी इतने अच्छे थे, तो हमने सब में से हेल्दी वाला प्लांट चूज़ किया। ये प्लांट्स देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले हैं बनाना प्लांट्स, ये कितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही हेल्दी है। और ये जो आप इसके पास जो ये जो बनाना का प्लांट है उसके पास जो आप देख रहे हैं वो है जाम का पौधा यानी कि गावा, वो इतना छोटा है और इसमें देखिए एक जाम भी आ चुका है, देखिए एक फ्रूटिंग भी हो चुकी है। ये सामने जो पौधे दिख रहे हैं ये है अंजीरा के प्लांट्स, और ये जो सामने दिख रहे हैं ये है पोमीग्रेनेट के पौधे, जो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सब में फ्लावरिंग हुई है और कुछ दिनों में इसमें फ्रूटिंग भी होगी।
आप जानते हैं कि रिसेंटली मैंने गार्डनिंग जो है स्टार्ट किया है, तो इस वजह से मैं सारे जो भी नर्सरीज मुझे दिखते हैं तो मैं उसमें चली जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि क्या नए प्लांट्स हैं उस नर्सरी में, और सब देखकर मैं जो अच्छा लगता है वो मैं लेकर आती हूँ घर, और अपने टेरेस पर मैं उसे ऐड कर देती हूँ। आजकल मैं ग्रीनरी के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ, जहाँ पर भी मुझे ग्रीनरी दिख गया तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है नेचर को देखना। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं कुछ पौधों की तलाश में हूँ, वो है बेलीफ का पौधा और ऑल स्पाइस। तो यहाँ पर मुझे बेलीफ का पौधा और ऑल स्पाइस तो नहीं मिला, लेकिन एक डिफरेंट प्लांट मुझे मिल गया है, वो है एप्पल का प्लांट, जो मुझे कहीं और नहीं मिला, बस यहीं पर मिला, वो भी हेल्दी और अच्छा है। सो एट लास्ट मुझे बेलीफ का पौधा जो मिल गया है, लेकिन यहाँ नहीं मिला, मुझे मिला है हैदरगुड़ा में। हैदरगुड़ा में जो नर्सरी थी वहाँ पर मुझे मिल गया। मैं पहली बार हैदरगुड़ा गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हैदरगुड़ा में बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पर हमें सीड्स मिल सकते हैं, कंटेनर्स मिलेंगे, और हर तरह के जो गार्डनिंग टूल्स होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं, और कुछ नर्सरीज भी हैं जहाँ पर हमें अच्छे अच्छे पौधे भी मिलेंगे। तो अगर आप गार्डनिंग के लिए कुछ भी सामान चाहते हैं या सीड्स या जो भी चाहते हैं तो हैदरगुड़ा में जाइए, वहाँ पर नंबर ऑफ आपको आइटम्स मिल जाएंगे। तो अब मैं दूसरे प्लांट की खोज में हूँ, वो है ऑल स्पाइस। तो ऑल स्पाइस के पौधे के लिए मैं अभी उसकी खोज में हूँ। तो अगर आपको किसी को अगर मालूम है कि ऑल स्पाइस का पौधा कहाँ मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं जाकर मैं उसे परचेज़ कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्लावर्स जो है खिले हुए हैं, और इतना अच्छा लग रहा है इनको देखकर। तो मैंने यहाँ के माली से पूछा था कि वो क्या डालते हैं इसमें कि इतने सारे फूल निकल कर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो DAP डालते हैं। तो उन DAP के वजह से ही इतने सारे फूल जो हैं खिले हुए हैं। ये जो येल्लो कलर्स के फ्लावर्स होते हैं वो हमारे टेरेस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सो पॉलिनेशन के लिए जो भी हनी बीस बटरफ्लाइज हमारे जो गार्डन में आएंगे तो इन येलो फ्लावर्स को अट्रैक्ट होकर ही आएंगे। तो हमें कंपलसरी जो है टेरेस पर ना येलो कलर के फ्लावर्स जो है रखने चाहिए। इस तरह जब हम नेचर को देखते हैं तो हमें अननोइंगली हमें एक तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है आ जाते हैं, और हमारा जो माइंडसेट है वो एकदम से इतना कूल हो जाता है कि हमें कुछ समय तक हम एक तरह का हैप्पीनेस फील करते हैं। तो उस तरह का हैप्पीनेस, उस तरह की हैप्पीनेस में ही मैं अभी हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग हो रही हूँ मैं इन सबको देखकर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके पास जो बेल बटन है उसे भी एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। Thank you.
तो ये सब देखने के बाद एक अच्छी वाली हैप्पीनेस के साथ और हाथों में प्लांट्स के साथ और मन में एक तरह का जो शांति होती है उसको लेकर अब हम घर जा रहे हैं। एक और अच्छे वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।